हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल मस्ती चैनल। यहां पर करते हैं सभी प्रकार के मोबाइल फोन के अनबॉक्सिंग प्लस कंपैरिजन। तो आज की इस वीडियो में लेके आए हैं 8 से 9000 रुपए की कीमत में मिलने वाले तीन स्मार्टफोन, जिसमें पहला स्मार्टफोन Realme C3, दूसरा स्मार्टफोन Realme 5 और तीसरा स्मार्टफोन Vivo U10। तीनों मोबाइल की अनबॉक्सिंग करेंगे एक साथ, साथ ही नजर डालेंगे बेसिक फीचर्स, लुक, डिजाइन, कैमरा पर। तो शुरुआत करते हैं Realme C3 से। तो ये है 4GB वेरिएंट, जिसमें आपको मिलती है 4GB रैम, 64GB का इंटरनल स्टोरेज, रियर में ड्यूल कैमरा, फ्रंट सेल्फी कैमरा 5 मेगापिक्सल और 5000 mAh की बैटरी आपको इसमें दी गई है। और इसकी प्राइस है 8000 रुपए। इसका 3GB वेरिएंट आपको मिलता है 7000 रुपए। और अब बात करते हैं Realme 5 की। तो ये है 3GB वेरिएंट, ये मिलता है आपको 9000 रुपए में। इसमें आपको मिलती है 3GB रैम, 32GB का इंटरनल स्टोरेज, रियर में आपको मिलते हैं 12+8+2+2 मेगापिक्सल के चार कैमरा, फ्रंट सेल्फी कैमरा 13 मेगापिक्सल और बैटरी इसमें भी आपको मिलती है 5000 mAh की। वहीं बात करें Vivo U10 की, तो ये भी 3GB वेरिएंट है, 9000 रुपए इसका प्राइस है और इसमें आपको मिलती है 3GB रैम, 32GB का इंटरनल स्टोरेज, रियर में आपको ट्रिपल AI कैमरा मिलते हैं 13+8+2 मेगापिक्सल, फ्रंट सेल्फी कैमरा 8 मेगापिक्सल और बैटरी आपको इसमें भी मिलती है 5000 mAh की। बाकी वीडियो में आगे देखते हैं क्या क्या दिया गया है तीनों स्मार्टफोन में खास। बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। चैनल पे आए हैं फर्स्ट टाइम और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर जो सब्सक्राइब का बटन है उसे जरूर दबा दीजिए, बगल में बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए। ऐसी वीडियो मैं आपके लिए यहाँ पर लाता रहता हूँ। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना चाहते हैं तो ये है मेरी इंस्टाग्राम ID, यहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ये है तीनों स्मार्टफोन जो आते हैं कुछ ऐसी पैकिंग के साथ। जल्दी से कर लेते हैं तीनों मोबाइल के बॉक्स को ओपन और सबसे पहले नजर डालेंगे कॉन्टेंट में हमें क्या क्या मिलता है। बॉक्स हो गए हैं ओपन। शुरुआत करते हैं Realme C3 से। सबसे ऊपर एक मिनी बॉक्स मिलता है जिसके अंदर हमें सिम इजेक्टर, पिन, क्विक स्टार्ट गाइड, यूजर मैनुअल दिया गया है। मोबाइल कवर आपको इसके साथ नहीं मिलता है। इसके बाद आता है स्मार्टफोन, फिलहाल इसे रख लेते हैं साइड में। और अंदर देखें तो एक चार्जर अडेप्टर और USB केबल आपको इसमें मिलती है। 10 वॉट का नॉर्मल चार्जर दिया गया है 5 वोल्ट 2 एम्पीयर की आउटपुट रेटिंग के साथ। और इसमें हमें माइक्रो टू USB केबल मिलती है। अब नजर डालते हैं Realme 5 पर। तो सबसे ऊपर एक मिनी बॉक्स जिसके अंदर क्विक स्टार्ट गाइड, यूजर मैनुअल और साथ ही हमें एक फ्लेक्सिबल सिलिकन का मोबाइल कवर मिल जाता है फोन की सेफ्टी के लिए। इसके बाद आता है स्मार्टफोन, फिलहाल इसे भी रख लेते हैं साइड में। और अंदर देखें तो इसमें भी एक चार्जर अडेप्टर और USB केबल मिलती है। 10 वॉट का नॉर्मल चार्जर 5 वोल्ट 2 एम्पीयर की आउटपुट रेटिंग के साथ आता है और इसमें भी हमें माइक्रो टू USB केबल मिलती है। और नजर डालते हैं Vivo U10 में। तो इसमें भी हमें सबसे ऊपर एक मिनी बॉक्स जिसके अंदर क्विक स्टार्ट गाइड, यूजर मैनुअल, वारंटी कार्ड, सिम इजेक्टर पिन और साथ ही इसके साथ फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट सिलिकन का मोबाइल कवर मिल जाता है। इसके बाद आता है स्मार्टफोन, इसे भी रख लेते हैं साइड में। अंदर चार्जर अडेप्टर और USB केबल हमें दी गई है और ये है इसके साथ मिलने वाला 18 वॉट का फास्ट चार्जर। आउटपुट रेटिंग देख सकते हैं 5 वोल्ट 2 एम्पीयर और 9 वोल्ट 2 एम्पीयर की हमें इसमें मिलती है और ये 5000 mAh की बैटरी को काफी फास्ट चार्ज करता है। बाकी दोनों स्मार्टफोन में आपको फास्ट चार्जर नहीं दिया गया है। और इसमें भी हमें नॉर्मल डाटा केबल मिलती है, माइक्रो टू USB केबल, टाइप सी USB केबल आपको किसी भी सेट में नहीं दी गई है। यह है तीनों स्मार्टफोन। फ्रंट साइड का लुक कुछ ऐसा हमें देखने को मिलता है तीनों स्मार्टफोन का। Realme C3 और Realme 5 का साइज बिल्कुल एक जैसा है, Vivo U10 साइज में थोड़ा छोटा है। तीनों स्मार्टफोन में आपको स्क्रैच कार्ड ऑलरेडी लगे हुए मिल जाते हैं, हालांकि कुछ समय के लिए ये काम करते हैं इसलिए आपको एक टेम्पर्ड ग्लास इन पे लगाना पड़ेगा। तीनों स्मार्टफोन के बैक साइड का लुक कुछ ऐसा हमें देखने को मिलता है। Vivo U10 और Realme 5 में आपको काफी ग्लोसी फिनिश बैक पैनल में देखने को मिलती है। Realme C3 में आपको रिजिस दिए गए हैं जिसमें आपको सनराइज डिजाइनिंग दी गई है, ये देख सकते हैं यहाँ पर काफी कमाल की डिजाइनिंग आपको देखने को मिल जाती है और रिजिस होने की वजह से आपको इसमें स्क्रैचेस के बहुत कम चांस रहते हैं, जबकि Realme 5 और Vivo U10 में स्क्रैचेस आ सकते हैं, आपको इन पे कवर लगाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर हम डायमंड कट्स देख सकते हैं Realme 5 में, काफी अच्छे लग रहे हैं। Realme C3 और Realme 5 में आपको बैक पैनल कर भी देखने को मिलता है, Vivo U10 में आपको बैक पैनल बिल्कुल प्लेन दिया गया है। Realme C3 के राइट साइड में आपको पावर ऑन की मिलती है, ऊपर की साइड कुछ नहीं दिया गया। लेफ्ट साइड में आपको वॉल्यूम रॉकर्स और सिम ट्रे दी गई है और इसमें आप दो सिम कार्ड, एक मेमोरी कार्ड, तीनों एक साथ यूज कर सकते हैं। बॉटम में 3.5 mm का ऑडियो जैक, प्राइमरी माइक चार्जिंग जैक और स्पीकर ग्रिल दिया गया है। मोबाइल के बैक साइड Realme की ब्रांडिंग और यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर मिसिंग है, आपको इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं दिया गया है। रियर में आपको मिलते हैं 12+2 मेगापिक्सल के ड्यूल रियर कैमरा विद LED फ्लैशलाइट। फ्रंट में आपको ड्रॉप नॉच के अंदर 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा
दिया गया है। Realme 5 में भी आपको राइट साइड में पावर ऑन की मिलती है, ऊपर की साइड कुछ नहीं दिया गया है। लेफ्ट साइड आपको सिम ट्रे और वॉल्यूम रॉकर्स एक साथ मिल जाते हैं। बॉटम में 3.5mm का ऑडियो जैक, प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और स्पीकर ग्रिल दिया गया है। मोबाइल के बैक साइड Realme की ब्रांडिंग, फिंगरप्रिंट सेंसर और रियर में आपको मिलते हैं क्वाड कैमरा 12+, 8+, 2+2 मेगापिक्सल के विथ LED फ्लैश लाइट। फ्रंट में आपको ड्रॉप नॉच के अंदर 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। वहीं बात करते हैं Vivo U10 की, तो इसमें आपको राइट साइड में पावर ऑन की वॉल्यूम रॉकर्स एक साथ मिल जाते हैं। ऊपर की साइड कुछ नहीं दिया गया है। लेफ्ट साइड आपको सिम ट्रे मिलती है। बॉटम में 3.5mm का ऑडियो जैक, प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और स्पीकर ग्रिल दिया गया है। मोबाइल के बैक साइड Vivo की ब्रांडिंग, फिंगरप्रिंट सेंसर और रियर में आपको 13+, 8+, 2 मेगापिक्सल के ट्रिपल AI कैमरा दिए गए हैं। फ्रंट में आपको ड्रॉप नॉच के अंदर 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। और अब बात करते हैं तीनों मोबाइल के डिस्प्ले साइज की, तो Realme C3 और Realme 5 में आपको मिलती है 6.5 इंच की HD+ डिस्प्ले, IPS LCD का पैनल दिया गया है और Vivo U10 में आपको 6.35 इंच की HD+ IPS LCD मिलती है। एस्पेक्ट रेशो Realme C3 और Realme 5 में मिलता है आपको 20:9 का, Vivo U10 में आपको 19:3:9 का एस्पेक्ट रेशो दिया गया है। स्क्रीन प्रोटेक्शन के लिए आपको Realme C3 और Realme 5 में मिलता है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन, Vivo U10 में आपको कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया गया है। आई थिंक यहाँ पर आपको पांडा ग्लास का प्रोटेक्शन मिलता है। स्क्रीन रेजोल्यूशन की बात करें 720x1600 पिक्सल का आपको मिलता है Realme 5 और Realme C3 में, और 720x1544 पिक्सल का मिलता है Vivo U10 में। पिक्सल डेंसिटी दोनों मोबाइल में मिलती है 270 PPI की और 268 PPI की मिलती है Vivo U10 में। अब बात करते हैं तीनों मोबाइल के हाइट की, तो Realme C3 और Realme 5 में आपको मिलती है 164.4mm की हाइट, Vivo U10 में मिलती है 159.4mm की हाइट। थिकनेस की बात करें 8.9mm की थिकनेस Realme C3 में, 9.3mm की थिकनेस Realme 5 में और 8.9mm की थिकनेस आपको मिलती है Vivo U10 में। वहीं वेट की बात की जाए तो 195 ग्राम वेट है Realme C3 का और 198 ग्राम Realme 5 का, और Vivo U10 का वेट है 190.5 ग्राम। तीनों स्मार्टफोन की पावर को ऑन कर दिया है, ब्राइटनेस भी फुल कर दी है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कुछ ऐसी डिस्प्ले क्वालिटी हमें देखने को मिलती है तीनों स्मार्टफोन में। Realme C3 में आपको पूरा यूजर इंटरफेस बिल्कुल चेंज देखने को मिलता है। यूजर इंटरफेस देखें तो Realme 5 और Realme C3 में आपको स्क्रॉल अप करने पे सारी की सारी ऐप देखने को मिल जाती है। Vivo U10 में आपको होम स्क्रीन पे राइट साइड में सारी ऐप देखने को मिलती है। सभी मोबाइल में आपको प्री इंस्टॉल ऐप भी दी गई है, हालांकि आप इन्हें अनइंस्टॉल कर सकते हैं। और आप नजर डालते हैं सेटिंग में, सबसे पहले Realme C3 की हम सेटिंग में चले जाते हैं और सेटिंग में हमें स्क्रॉल करने पर अबाउट फोन सेक्शन मिलता है। यहाँ पर आपको बिल्कुल चेंज देखने को मिलेगा। सबसे ऊपर डिवाइस नेम वर्जन दिया गया है, Realme UI वर्जन 1.0 का आपको इसमें मिलता है। Android वर्जन 10 दिया गया है, ये देखिए आपको इसमें Android वर्जन 10 देखने को मिलता है। Android सिक्योरिटी पैच लेवल 5 दिसंबर 2019 का इसमें आप दिया गया है। 4GB रैम, 64GB का इंटरनल स्टोरेज, जिसमें से लगभग 50GB अवेलेबल है यूज करने के लिए, और एक्सपेंडेबल मेमोरी 256GB तक आप इसमें बढ़ा सकते हैं। ऑक्टा कोर प्रोसेसर आपको इसमें मिलता है, MediaTek Helio G70 का चिपसेट आपको इसमें दिया गया है। वहीं नजर डालते हैं Realme 5 की सेटिंग में, तो इसमें भी हम सेटिंग में चले जाते हैं। सेटिंग में स्क्रॉल करने पे अबाउट फोन सेक्शन दिया गया है, जिसमें सबसे ऊपर डिवाइस नेम मॉडल नेम दिया गया है। कलर OS वर्जन 6.0.1 का हमें इसमें मिलता है। प्रोसेसर इसमें भी हमें ऑक्टा कोर प्रोसेसर दिया गया है। चिपसेट क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665 का हमें इसमें मिलता है। 3GB रैम, 32GB का इंटरनल स्टोरेज, जिसमें से लगभग 20GB अवेलेबल है यूज करने के लिए। इसमें भी आप एक्सपेंडेबल मेमोरी को 256GB तक बढ़ा सकते हैं। एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच लेवल 5 अगस्त 2019 का आपको इसमें मिलता है। और अब नजर डालते हैं Vivo U10 की सेटिंग में, तो यहाँ पर हम सेटिंग में चले जाते हैं। सेटिंग में स्क्रॉल करने पर हमें इसमें मोर सेटिंग का ऑप्शन मिलता है, जिसमें सबसे ऊपर अबाउट फोन सेक्शन दिया गया है। इसमें आपको फन टच OS मिलता है, IMEI नंबर दिए गए हैं, एंड्रॉइड वर्जन 9 पाई हमें इसमें मिलता है,
रैम 3GB, 32GB का इंटरनल स्टोरेज। इसमें भी आप एक्सपेंडेबल मेमोरी को 256GB तक बढ़ा सकते हैं। प्रोसेसर 2GHz का ऑक्टा कोर हमें इसमें मिलता है और क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665 का चिपसेट इसमें भी दिया गया है। एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच लेवल 1 सितंबर 2019 का हमें इसमें मिलता है। तीनों मोबाइल के रियर कैमरा को ऑन कर दिया है नॉर्मल मोड में, तो काफी अच्छे कैमरा हमें तीनों मोबाइल के देखने को मिल जाते हैं। ये है रियलमी C3 का कैमरा। यहाँ पर हम जूम करके देखें तो इसमें हम 4x तक जूम कर सकते हैं, वहीं रियलमी 5 में हम पूरा 10x तक जूम कर सकते हैं। वीवो U10 के कैमरा में भी हम जूम करके देखते हैं तो इसमें भी हम 4x तक जूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर रियलमी 5 में आप 10x तक जूम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में बताइए तीनों मोबाइल में से आपको कौन सा मोबाइल पसंद आया। यहाँ पर Realme C3 8000 रुपए में आपको 4GB रैम 64GB रोम के साथ मिल जाता है, जिसमें आपको MediaTek Helio G70 का चिपसेट दिया गया है। गेमिंग के लिए काफी अच्छा आपको इसमें प्रोसेसर मिल जाता है और इसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं दिया गया है, ये आपको यहाँ पर कमी दी गई है, ये इसका माइनस पॉइंट है। वहीं Realme 5 और Vivo U10 में आपको प्रोसेसर अच्छा मिल जाता है Qualcomm Snapdragon 665 का, लेकिन आपको इन दोनों मोबाइल में 3GB रैम 32GB का इंटरनल स्टोरेज दिया गया है। बाकी दोनों मोबाइल में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाता है। यहां पर Vivo U10 में आपको 18 वॉट का फास्ट चार्जर भी दिया गया है, जबकि दोनों Realme के दोनों मोबाइल में आपको फास्ट चार्जर नहीं दिया गया है। बाकी आप अपनी पसंद कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर आपने परचेज किया हुआ है तीनों में से कोई सा भी मोबाइल, तो मोबाइल के बारे में कोई भी अच्छाइयां बुराइयां आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिससे अन्य व्यूअर्स को भी कुछ ना कुछ मदद मिले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अनबॉक्सिंग के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।